ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गोकुलवासियों को इंद्र की आराधना की तैयारी करते देखा तो उन्होंने कहा, ऐसा क्यों किया जाता है? इस पर उन्हें बताया गया कि इंद्र वर्षा करके उन पर कृपा करते हैं और यदि वे इंद्र की आराधना नहीं करते तो वे क्रोधित होकर उनका सर्वनाश कर देते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने हठ पकड़ ली कि वे इंद्र की आराधना ना करके उनके इष्ट की आराधना करें। ग्रामवासियों ने इसे उनका बाल हट समझा और कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन उसके लिए तीन शर्तें माननी होंगी। पहली, उनके ईष्ट को साक्षात दर्शन देने होंगे। दूसरी, वह लोग जो भी भेंट देंगे उसको स्वीकार करना होगा। तीसरी, उन्हें इंद्र के क्रोध से बचाना होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तीनों शर्तों को मंजूर करके उनको साक्षात दर्शन दिए और उनसे मांग मांग कर भोग खाया। श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मार गया डेला। अरे श्याम बड़ा अलबेला मेरी मटकी में मार गया डेला। अरे पीला मेरी मटकी में मार गया डेला। कभी कुंजन में फिरे रसीला मेरी मटकी में मार गया डेला।
जब जब अधर्म और अत्याचार के बादल छाए, तब तब मानव को मानवता की सच्ची राह दिखाने के लिए प्रभु ने स्वयं धरती पर जन्म लिया। जब मथुरा में कंस के अत्याचारों से हर तरफ त्राही त्राही की आवाजें सुनाई दे रही थीं, तब मोर मुकुटधारी 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण ने कंस के विनाश और पृथ्वी वासियों को धर्मानुसार कर्म करके जीवन यापन का संदेश देने के लिए मथुरा में अवतार लिया। बीज भूमि, बह से ब्रह्म और जा से जन्म, इन दोनों को मिलाने से बना ब्रिज, अर्थात वो भूमि जहां ब्रह्म ने जन्म लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की जन्म भूमि और लीला भूमि होने के कारण ब्रिज भूमि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थली के रूप में जानी जाती है। ब्रिज की 84 कोस की भूमि अपने दिव्य आध्यात्मिक आलोक से समस्त भक्त जनों को आत्मविभोर करती है।